नरेंद्र मोदी विष्णु का 13वां अवतार है जो चुनाव बैलेट पेपर पर लेकर दिखाओ, संजय राउत ने किया चैलेंज। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि अंधभक्त मोदी को विष्णु का 13वां अवतार मानते हैं। अगर ऐसा है तो मोदी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर लोकसभा का चुनाव करा कर देख लें। 33 करोड़ देवी देवता भी उन्हें हार से बचा नहीं सकेंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईवीएम की मदद से लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाही स्थापित की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम एक बार फिर से शक के दायरे में है। उन्होंने कहा कि 19 लाख ईवीएम चोरी हो चुकी है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि यह ईवीएम मशीन किसने चुराई है, वे इस वक्त कहाँ है, किसके कब्जे में है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं ईवीएम शक के दायरे में होगी। अगर कल ईवीएम के मुद्दे पर लोग सड़कों पर उतरते हैं और अराजकता फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संजय राउत ने कहा कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे तो बीजेपी नगर निगम और ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। पहले भी आरोप लगा चुके हैं संजय राउत इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि इजराइल से ईवीएम को हैक करने की टेक्नोलॉजी भारत लाई गई है। राउत का आरोप है कि जैसे राक्षस की जान तोते में बसती है, वैसे ही बीजेपी की जान ईवीएम में बसती है। संजय राउत ने कहा कि ईवीएम हैक करके ही टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले इजराइल में भी चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं।